अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है अक्सा की स्पोर्ट क्लास थी, तो हम लोग वापस आ रहे थे, तो बस रास्ते में यहाँ पर ये छोटा सा ना एक पानी मतलब यहाँ से निकल रहा होता है तो ये बना हुआ है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसमें कभी कभी मतलब पानी इस तरह आ रहा होता है, कभी नहीं आ रहा होता। तो आज आ रहा था तो अक्सा को यहाँ पर बैठना था थोड़ी देर, तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे और धूप भी अच्छी थी, मौसम भी अच्छा था। अच्छा जी, उसके बाद हमने जाना था वूलवर्थ, और यहाँ पे जो है ना मौसम के अच्छे होने का खूब फ़ायदा उठाया जा रहा था। मतलब आज जो है ना सही से मैंने अपने चप्पलें शप्पलें निकाल के जो है ना रेडी होके जो है वो बाहर निकली थी। तो वूलवर्थ जाना था हमें, और क्यों जाना था, क्योंकि अक्सा को मिला था इन्विटेशन उसकी फ्रेंड की बर्थडे का, तो हमने सोचा कि उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लेते हैं। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पर देख लेते हैं वूलवर्थ में, अगर यहाँ पर कुछ हमें समझ आ गया तो ले लेंगे, वरना फिर हमें जो है वो पासिंग जाना पड़ेगा, टेडी वगैरह में देखना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं वूलवर्थ, वहाँ पे देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। तो हम लोग आ गए थे वूलवर्थ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई थी यहाँ पे इस सेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे हेड्स वगैरह जो है ना बहुत अच्छी आई हुई थी, तो मुझे अक्सा के लिए भी लेनी थी, तो बस मैं उसको दिखा रही थी, लेकिन उसको बस फ़ौरन से जो है वो टॉय सेक्शन में ही जाना था। अच्छा, बच्चे जो है ना वो बर्थडे का नाम सुन के जो है ना वैसे एक्साइटेड हो जाते हैं, चाहे अपनी हो या फ्रेंड की हो। और अक्सा को जो है वो फ़र्स्ट टाइम इन्विटेशन मिला था, और उसकी जो है ना बाकी क्लास फेलोज भी आएंगी, तो बस वो उस वजह से ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो अभी बस हम उसकी फ्रेंड के लिए देख रहे थे, लेकिन हमें कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ जो मुझे अच्छा लग रहा था वो अक्सा को नहीं अच्छा लग रहा था, और जो वो देख रही थी वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, यहाँ पर इतनी कोई वैरायटी नहीं थी ना टॉयज़ वगैरह की, लेकिन थोड़े बहुत हमने देखे, और मैंने सोचा कि अभी लेते नहीं हैं, बाद में ले लेंगे, या तो फिर टेडी वगैरह में भी देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छे लगे हुए होते हैं। और चीज़ अगर अपने लिए देखनी हो तो इजी रहता है, लेकिन अगर किसी और के लिए देखनी हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ लें, कौन सी जो है वो अच्छी रहेगी। अच्छा, यहाँ पर ना एक ये छोटे से पंखे मुझे जो है ना बड़े अच्छे लगे थे, बस यहाँ से ना यूँ प्रेस करते जाएँ और इससे जो है ना हवा आती थी अच्छी सी, और अच्छा लग रहा था मुझे। मैं अक्सा को दिखा रही थी, मैंने कहा ले लो, बाहर मतलब गर्मी होगी तो उसके लिए जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन उसको नहीं अच्छा लगा। अच्छा जी, वहाँ से हम लोग आ गए थे तो हमें इतना कोई अच्छा नहीं लगा टॉय। और अभी मैं आपके साथ जो क्लिप शेयर कर रही हूँ ये है जी मेरे भाई की शादी, जो कि पाकिस्तान में हुई थी, ईद के फ़ौरन बाद ही हुई थी। तो ये मेरे छोटे भाई यानी कि मेरे चचा के बेटे की शादी थी, और एक ही मेरे चचा हैं और एक ही उनका बेटा है, तो उसकी शादी थी ईद के फ़ौरन बाद। तो अभी मैं उसकी जो है वो थोड़ी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस शादी जो है वो थोड़ी सी जल्दी रख ली थी और हम लोग नहीं जा पाए थे, क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली होके आए थे और बस दोबारा जो है वो नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने पूरी जो वेडिंग को जो है वो इन्जॉय किया था, क्योंकि मेरी सिस्टर्स और मेरी कज़न्स जो है ना हर मतलब इवेंट की जो है ना मुझे मतलब ऑनलाइन मतलब वो मुझे कॉल कर लेती थी, और बस साथ साथ हम लोग इन्जॉय करते रहते थे। तो बस आजकल इंटरनेट का ये फ़ायदा है कि आप लोग सारी चीज़ों को इन्जॉय कर सकते हैं। तो बस वीडियो कॉल पे जो है ना मैंने सारे इवेंट्स को जो है वो एंजॉय किया था। अच्छा, तो इस टाइम पे जो है ना वो थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा मिस करते हैं पाकिस्तान को, ज़्यादातर जब करीबी मतलब अपने किसी की शादी हो। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो सिस्टर और कज़न्स वगैरह जो है वो अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रही थी, बस फोटोग्राफी वगैरह चल रही थी। और यहाँ पर हैं जी मेरे छोटे भाई भाभी, जो कि माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे, तो अल्लाह पाक इनको जो है वो खुश रखे। आप लोगों ने भी इनको दुआओं में याद रखना है। अच्छा, शादी थी तो उसी दिन मैंने जो है ना बहुत ही मज़े का डिनर भी बनाया था, क्योंकि मैंने कहा कि मतलब हम लोग वीडियो कॉल पे शादी तो अटेंड कर ही रहे हैं, तो क्यों ना जो है वो डिनर भी अच्छा सा बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने मलाई बूटी बनाई थी और एयर फ्रायर में बनाई थी। पहले भी मैंने बनाई थी, लेकिन पहले मैंने ओवन में बनाई थी और इस दफ़ा मैंने एयर फ्रायर में बनाई थी, तो एयर फ्रायर में जो है ना बहुत ही मज़े की बन गई थी, बहुत ही मतलब सॉफ्ट और जूसी सी बनी थी। तो एयर फ्रायर जो है ना वो इस तरह की चीज़ों के लिए जो है ना बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने मलाई बूटी बनाई थी और साथ ही मैंने जो है वो चने का पुलाव बनाया था, रायता बनाया था, सैलेड बनाया था, तो मज़ेदार सा डिनर जो है वो हमने एंजॉय किया। तो बस जी, आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहीं तक की थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगी आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।